हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन 5 दोस्त की पोशाक। इसकी वर्कशीट करेंगे। इनमें वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ आपको लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आता है और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। नसीरुद्दीन किससे मिलकर बड़े खुश हुए थे? नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए थे। जमाल साहब के अनुसार उनकी पोशाक कैसी थी? मामूली थी। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बंधन कर कहाँ घूमने निकले? मोहल्ले में। जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी थी? नसीरुद्दीन की। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे आपको गलत लगाना है, लिख भी सकते हैं आप। नसीरुद्दीन की जमाल साहब से नई नई दोस्ती थी, बिल्कुल गलत। जमाल साहब भड़कीली अचकन पहनकर नहीं निकले, गलत। नसीरुद्दीन की बात को सुनकर जमाल साहब घर पर घड़ों पानी पड़ गया, सही। हुसैन साहब नसीरुद्दीन के घर गए थे, नहीं। नसीरुद्दीन ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, सही। निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने से मना कर दिया। नसीरुद्दीन की जमाल साहब से कई सालों बाद मुलाकात हुई थी। तुम्हारा दोस्त सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। पोशाक के बारे में न कहना सही है, नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। फिर मैच द कॉलम है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाएं। तुम्हारी कैसी अकल है, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा किया, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। एक ये रीडिंग पैसेज है जो आपकी किताब में से आता है, तो इस लेसन में से आने के काफ़ी चांस हैं। तो पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद इसी में से आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। पहली पंक्ति में उन्हें शब्द जमाल साहब के लिए आया है। हुसैन साहब ने दोनों दोस्तों का स्वागत कैसे किया, गर्मजोशी से। जमाल साहब के बारे में किसने पूछा, हुसैन साहब ने नसीरुद्दीन से पूछा। जमाल साहब किसकी बात सुनकर नाराज़ हो गए, नसीरुद्दीन की। गद्यांश में झूठ बोलने का आरोप कौन किस पर लगा रहा है, जमाल साहब नसीरुद्दीन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। नसीरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या था, जमाल साहब। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए थे, अचकन लाए थे। नसीरुद्दीन अपने मित्र को लेकर सबसे पहले कहाँ गए, पड़ोसी के घर। नसीरुद्दीन और उनके मित्र कितने लोगों से मिले, 3 लोगों से मिले। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त को कहाँ चलने को कहा, मोहल्ले में। अचकन कैसी थी, अचकन भड़कीली थी। जमाल साहब लोगों से क्यों नहीं मिलना चाहते थे, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी अचकन पहनी हुई थी जिसे पहनकर वे लोगों से नहीं मिलना चाहते थे। शब्दों के अर्थ लिखना है, तो शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे। गपशप यानी बातें करना, बंठन कर यानी तैयार होकर, खास यानी नज़दीकी, स्वागत यानी आवभगत, घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। वाक्यों में से क्रिया संज्ञा और क्रिया शब्द आपको छांट कर लिखना है। तो मोहल्ले में घूम आए, यहाँ पर मोहल्ला जो है वो संज्ञा है और क्रिया है घूमना। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया, जमाल साहब संज्ञा है और जाना और मना करना ये दोनों क्रिया है। गपशप होने लगी, गपशप संज्ञा है और होने लगी क्रिया है। गलती हो गई, गलती संज्ञा है, हो गई क्रिया है। अब विशेषण को विशेष्य से आपको मिलाना है। विशेषण जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। भड़कीली अचकन, पुराना दोस्त, झूठी कहानी, मामूली बात, नए कपड़े। वाक्यों में उचित विशेषण लगाकर पूरा करो। नीले आसमान में पक्षी उड़ रहे थे। तुम्हारे पास काम न करने का रोज़ नया बहाना होता है। उसकी चमचमाती गाड़ी देखकर सब प्रभावित हुए। आज ही मैंने एक नई पोशाक खरीदी है। आपने मुझे गलत पता लिखवा दिया। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से रिक्त स्थान भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपके रिविज़न हो जाए। बेटे की चोरी पकड़े जाने पर पिता पर घड़ों पानी पड़ गया। तुमने पहलवान को बस 2 रोटियां खाने को दी, उसके लिए तो ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। अध्यापक का बच्चा होकर भी सभी विषयों में फेल, सच ही कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। आजकल नजर ही नहीं आते तुम तो ईद के चांद हो गए हो। इस तरीके से जमाल साहब के बारे में, नसीरुद्दीन के बारे में आप एक एक दो दो लाइन भी लिख सकते हैं। विलोम शब्द लिखिए, पुराना नया, दोस्त दुश्मन, झूठ सच, अच्छे बुरे, अपने पराए। यहाँ एक शब्द के 2 अर्थ हैं, इसे हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति यानी कि सुनना,
सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। अन्न यानी कि अनाज, अन्य दूसरा, अभय निडर उभय दोनों, आदि इत्यादि, आदि यानी किसी चीज़ की लत पड़ना, कर्म काम क्रम नंबर, दिन उजाला दीन गरीब। क्रिएटिव राइटिंग या रचनात्मक लेखन में देखिए मेरे मित्र के बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखने को आ सकता है। तो अनुच्छेद कैसे लिखेंगे यहाँ देखेंगे। मेरे प्रिय मित्र का नाम डैश है, उसकी उम्र 10 साल है, वह मेरे साथ ही पढ़ता है और दिल्ली में ही रहता है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह बड़ों का आदर करता है और सभी से प्रेम करता है। वह अनुशासित मितव्ययी मृदुभाषी है, अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड, मितव्ययी यानी कम पैसे खर्च करने वाला, मृदुभाषी यानी बहुत सॉफ्ट स्पोकन। वह एक हंसमुख है और विश्वास के योग्य है, वह सभी को क्षमा करने में विश्वास रखता है। एक अच्छा मित्र भगवान का वरदान होता है। तो इस तरीके से आपका ये लेसन ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक से पढ़ेंगे इसको, और आपको अगर कोई चीज़ नोट करने वाली लगे तो आप नोट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।